हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक कम्युनिटी बैग। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, आप लोग के साथ मैं असाइनमेंट शेयर करने वाली हूँ और ये असाइनमेंट कम्युनिटी बैग की रहेगी, राइट। और सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी, राइट। तो आपको कभी भी असाइनमेंट अगर बनानी नहीं आ रही, तो मैंने कई सारे आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर किए, जैसे कि टाइफाइड का और डायरिया का, या फिर हेल्थ टॉक्स रिलेटेड हो, या फिर ड्रग बुक हो गई। मतलब मैंने 15 से 20 ऐसे असाइनमेंट आप लोग से शेयर किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिए। आपको सभी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो कि मेन मेन आप लोगों को हर एक कॉलेज के अंदर दिया जाता है, तो वही मैंने आप लोग से असाइनमेंट शेयर किए। तो अभी मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी का और टॉपिक है कम्युनिटी बैग। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू में क्या होता है कि आप अपने खुद का मैम का नेम लिखेंगे, एंड सबमिटेड बाय में आप अपना क्या करेंगे, खुद का नेम लिखेंगे। देन इसके सबमिटेड ऑन में आप अपना क्या करेंगे, इसका डेट मेंशन करेंगे, क्लास आपको इसमें बतानी होगी, ठीक है। इसके बाद आप रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आ जाता है, नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे जैसे कम्युनिटी बैग है, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है इसके अंदर, तो इसमें आ जाता है, मैं आप लोगों को पूरा बता देती हूँ और आप इसे अच्छे से देख लीजिए एक बार। जैसे कि होम विजिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एसेट इन द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। दिस इज सो बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द फाइंडिंग हेल्थ पीपल एंड द वल्नरेबल ग्रुप्स, वी फाइंड सिक पीपल राइट हू WHO refer and to stay at the home rather than hospital and the get treated and the home is utilized for many and reason in the relation to the health of the family. The home is also utilized frequently to prevent and nursing services. The services is home require technical skill knowledge of the therapeutic and the preventive measures. Technical ability, clear judgment and the full understanding of the human relations. Home is the place of the services via nursing, right? Practice is outcomes and the knowledge, skill and experience of the nurse are employment, visit and patient in the home provides and a challenge and the opportunity for the both nurse and the family to the function as a term in their own environment, right? तो ये आपकी जो definitions रहती है community bag की, आपको इस step से आपको क्या करना है, definition लिखना है। then इसके बाद आपका आ जाएगा purpose of the home visit। इसमें भी कुछ points होंगे, आपको वो करना है। जैसे कि इसमें है as a parts of the plan home visiting and programs, for the example and antenatal visit or visit to a and malnourished and child or the tuberculosis patient। next इसके पास जो पेजेस ज्यादा है, जैसे कि इसमें है प्रोवाइड अ ब्रेस्ट पॉलिसी एंड नर्सिंग केयर इन होमेलिटी कंडीशन इन द रीजन टू अ फेल्ट नीड बाय एन इंडिविजुअल इन द फैमिली एज इन सिकनेस डिलीवरी और इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आ जाएगा मॉनिटरिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई और द डिजीज इन द हेल्थ centers, hospitals, factors and school and providing follow-up treatment. Fourth is mein aa jayega upon assessing the health, immunization, nutritional levels and environment, right, hazards of the family, right. Iske baad jo next points aata hai, reducing the maternal and the infant mortality rate by the providing maternal and child health services. Sixth point hai, identifying the source of the communicable disease and नेक्स्ट इसको अलर्मिंग द फैमिली अबाउट इट। लास्ट में आ जाता है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन वाइल होम विजिट और द गिविंग नर्सिंग केयर एट होम। तो ये 7 पॉइंट है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट, आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप ये देखिए, इसमें आ जाएगा होम विजिट द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द पेशेंट इज द प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी नर्सिंग केयर एंड इसमें है लीडिंग टू वेलनेस एंड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है होम विजिट, राइट, यानी कि प्लान में लिखना, प्लान में क्या लिखेंगे, होम विजिट शुड बी प्लान एंड कंडक्टेड एज पर द रिक्वायर ऑफ द कम्युनिटी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है आप ये देखेंगे, जैसे कि इसमें है नीड बेस्ड, राइट, इट इज़ नेसेसरी टू हैव डेफिनेट एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल होम विजिट which can be anything like an service, teacher, satisfy collections, maternal and the child health services,
एग्जैक्टली नेक्स्ट इसमें आएगा रेगुलेटरी, रेगुलेटरी में का हो विजिट शुड बी कंसर्न एज अ रेगुलर इंटरवेंशन सो दैट मैक्सिमम को ऑपरेशंस ऑफ द सिलेक्टेड राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑन टू द प्रेवलिंग एंड सर्कल मेट्स ऑफ दैट होम द एम्स ऑफ द होम विजिट हैज टू चेंज और द विजिट नीड टू कैंसिल राइट। नेक्स्ट इसके बाद आएगा वॉलेंट्री एंड कन्वेंट राइट। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। देन इसके बाद आ जाएगा पॉइंट्स, और इसमें पॉइंट्स आपको टोटल जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 8 है। 8 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा 8 पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, डिसएडवांटेज ऑफ हु विजिट करना है। इसमें आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स लिखना है ठीक है, 5 पॉइंट्स से ऊपर नहीं लिखना है। ये देखिए जैसे कि 5 पॉइंट्स है राइट, और इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। डिसएडवांटेज क्या क्या रही है होम विजिट के टाइम पर वो आपको बताना है, और ये आपको टोटल 5 पॉइंट्स लिखना है राइट। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग के बारे में बताना है आपको, और इसमें भी पॉइंट्स है जो कि आपको टोटल इसमें काउंट करके लिखना होगा ठीक है। और चाहे तो आप 10 लिख सकते, चाहे तो आप 5 लिख सकते, चाहे तो आप 4 लिख सकते, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यानी कि जो इसके पॉइंट है, 2 पॉइंट थे देखिए, तो इसमें मैंने क्या, इसमें क्या किया है, और 2 पॉइंट जिससे भी मैंने असाइनमेंट ली है उन्होंने क्या किया, फिर 2 पॉइंट लिखा है ठीक है। आप चाहे तो 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ बैग। स्ट्रक्चर्स ऑफ बैग में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देना है आपको ठीक है। डेफिनेशन लिखना और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है क्या क्या इसके बारे में ही बताया है, जैसे कि पॉलिस्टिक ऑफ द लेदर्स, आउट कवरिंग के बारे में, इनर लाइनिंग, स्पोर्टिंग एंड मेटल फ्रेम के बारे में बताया है ठीक है। पैकेट, न्यूज़पेपर, स्मॉल पेपर रिक्वायर है या कैसा है वो बारे उसके बारे में बताया गया है ठीक है। तो इस टाइप से आपको पॉइंट लिखना है। और देन एक चीज और बताना चाहूंगी, असाइनमेंट जैसे ही आपको क्लीन नीट दिखाई दे रहे इस टाइप से ही लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इक्विपमेंट ऑफ नर्सिंग केयर बैग, क्या क्या है, आउटर पॉकेट में क्या क्या है, नोटबुक राइट, नेल ब्रश एंड फर्स्ट क्या रहेगा, वन शॉप डिस एंड शॉप, वन हैंड टॉवल्स, और नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा वन एंड पॉलिथिन बैग रहेगा, वन बेबी एंड वेवनिंग स्किल रहेगा, एंड 16 इसमें रोल्स रहेगा, एंड न्यूज़पेपर रहेगा, प्लास्टिक एप्रन रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद आएगा इनर पॉकेट में क्या क्या रहेगा, बोटल्स, प्लास्टिक, अल्कोहल 70% by 3 राइट, और जिनेसिन वॉयलेंट 1%, सेवलोन और कैटोल वॉयलेंट 5%, एंड कैलामाइन लोशन और एटफिलिन इन द स्प्रिट 0.1%। नेक्स्ट इसके बाद आएगा लुब्रिकेंट एक्जिटर एंड वैसली इन अ स्मॉल ठीक है, और जार कार्ड एंड लिक्विड इन द 70% अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एडिशनल इक्विपमेंट ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट इफ रिक्वायर, क्या क्या रहते हैं, स्वैब्स एंड ग्लास पीसेस रहते हैं, स्वैब स्टिक एंड द पेडेस्टल रहता है, बैगेज एंड द सेफ्टी पिन्स, बैंड एड, ड्रेसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, टू पेयर्स ऑफ द आर्टरी एंड फॉरसेप्स, वन पेयर्स ऑफ द सीजर्स रहता है। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, और इसमें और क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा लार्ज पेयर्स ऑफ द फॉरसेप्स ऑफ द चेस्टलेस फॉरसेप्स, टू थर्मोमीटर्स सेल्सियस ऑल्स एंड वन रेटल्स राइट। नेक्स्ट इसके बाद टू स्केच इन द सिरिंज एंड नीडल्स इन द मेटल्स बॉक्स और द स्टरलाइज बॉक्स, पैकेट्स ऑफ द सिरिंज। एडिशनल इक्विपमेंट्स में क्या क्या रहता है, एनीमा कैन एंड ट्यूबिंग एंड कैथर, यूरिनरी कैथर्स एंड स्टराइल ड्रेसिंग पैकेट्स एंड पैक सॉरी एक्स्ट्रा कॉलीपोर्ट्स ऑफ द स्मॉल बॉल्स रहेगा, एंड बीटाडीन रहेगा, जिंक ऑक्सीडेंट रहेगा, एंड एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एंड पैरासीटामोल टैबलेट्स रहती है। तेरे इसके बाद है यूरोलाइसिस टिकट इंक्लूडिंग स्प्रिट लैम्प रहेगा। व्हेन एंड वेयर द बैग इज यूज्ड राइट, इसमें भी पॉइंट लिखना आपको, जैसे कि इसमें फर्स्ट सेकंड आप जो पॉइंट देख रहे हैं इसी तरह से आपको क्लीन नीट लिखना है। चाहे तो आप ये सेम भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कहीं से भी आप असाइनमेंट बनाएं, आपको जो टॉपिक दिया है तो आप कहीं से भी असाइनमेंट बना सकते हैं। ये नहीं है जो आपके मैम ने बोला उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते, सिर्फ आपको टॉपिक जो मैम देगी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक है तो इस टाइप का आप बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा
इसमें जैसे कि बताया है, सॉरी, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट है जैसे कि आपने पीछे देखा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सम प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग द बैग, ठीक है। इसमें क्या 3 पॉइंट्स लिखना आपको, राइट। और इसके बाद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग नर्सिंग केयर नर्सिंग बैग रहेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 10-11 पॉइंट लिखने होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लिखना क्योंकि बहुत बड़ी असाइनमेंट हो जाती है। अगर बनाने लगे तो आपके भी हाथ में पेन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट शॉर्ट में लिखने पड़ते हैं, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ये देखिए, ये 3rd पॉइंट था जो वहाँ जो मैंने आपको बताया था, टेक्निक ऑफ यूजिंग नर्सिंग बैग के बाद आ जाता है 3rd पॉइंट। ये 4th 5th रहेगा 6th, ठीक है। आप इसे नज़दीक से देख लें, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लियर नहीं नज़र आता है, तो इसमें आप जरूर एक अच्छे से देख लीजिए और नीट क्लीन बनाना, इस चीज़ का ध्यान है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो ये क्या 11 पॉइंट इसमें लिखे गए, ठीक है। ओपन द बैग एंड द रिटर्न वेस्टेज आर्टिकल, क्लोज द इनर लाइनिंग एंड द हाफ, क्लोज द आउटर लाइनिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ पॉइंट लिखना है, जैसे टच द इनर पार्ट ऑफ द आउटर पार्ट एंड ओपन द इनर एंड लाइनिंग ऑफ द बैग, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सम प्रिकॉशन दैट्स मस्ट बी टेकन बैग। तो इसमें भी पॉइंट है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे चेक द बैग बिफोर लिविंग फॉर होम विजिट, बैग शुड बी केप्ट एट द प्रॉपर प्लेस आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन एंड द स्मॉल पेट एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इसके बाद ओपन इट, ठीक है, ओनली वेन रिक्वायर्ड, बैग शुड बी थ्रोली क्लीन डस्ट फ्री एंड द जस्टिफिकेटेड एंड थिंग्स विच कैन बी स्टरलाइज शुड बी केप्ट स्टरलाइज एंड नेक्स्ट इट इज द इंसेंसल टू चेंज द बैग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ब्रिंग बैक एम्पथी एंड नेक्स्ट वैक्सीन और द मेडिसिन टू द सेंटर्स एंड रेक्टम दैम टू द फार्मेसी, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आएगा बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी एंड डिस्पोजल्स ऑफ प्रॉपरली। अब इसमें पॉइंट देख लीजिए एक बार नज़दीक से, ठीक है, और ये पॉइंट आपको इसी तरह से ही लिखना है अगर आप इस टाइप से बना रहे हैं। अगर आप किसी और टाइप से लिखना चाहते हैं तो पॉइंट आप गूगल से या बुक से कहीं से भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। इसमें क्या आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जो मैम ने आपको टॉपिक दिया, देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जो ये टॉपिक था क्या था, कम्युनिटी बैग था, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जो कम्युनिटी बैग है तो उसको आप कहाँ से लिख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन कहाँ से लिख रहे हैं, उसके जो पॉइंट्स है कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कम्युनिटी बैग की आपने डेफिनेशन लिखी है, इसके प्रिंसिपल्स लिखे हैं या इसका जो केयर लिखा है वो मतलब कहाँ से लिखा है उसके बारे में, अगर आपने हाफ गूगल से लिखा, हाफ बुक से लिखा है, तो आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है कि आपने बुक से भी लिखा है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, उसका पेज नंबर डालना पड़ेगा, उसका एडिशन, उसका राइटर, और आपको इसमें कौन सा एडिशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बताना है, सब्जेक्ट क्या है वो बताना है, और देन पेज नंबर आपको शो करना है, राइट। अगर आप गूगल से लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, www. ठीक है, जो भी वेबसाइट है पूरी जो ऊपर आती है जैसे कि आपने देखा होगा, तो उसका नेम यहाँ मेंशन कर देना, अगर आपने बुक से भी लिखा है और गूगल से भी लिखा है। तो ये एक असाइनमेंट बनाने का तरीका होता है, राइट। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम है असाइनमेंट बनाने से, मैंने बस से 15 कुछ ऐसे असाइनमेंट है जो कि मैंने शेयर की है और मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं पता चल रहा है तो आप शॉर्ट वीडियो में भी दे सकते हैं, लॉन्ग वीडियो भी आपको मिलेगी, तो पूरी डिटेल मैंने उसमें बता रखी है आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट बनाने का एक तरीका होता है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। और देन मैं आप लोगों को कुछ ये बताना चाहूँगी, अगर आपको इसमें आउटिंग करनी है तो आउटिंग भी कर सकते हैं, अगर आउटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे कि सिंपल देख रहे हैं, सिंपल भी काफ़ी अच्छी लगती है असाइनमेंट, तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। चाहे तो फ्रंट पेज को आप जितना डेकोरेशन करेंगे जिससे कि अट्रैक्टिव असाइनमेंट बनाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने जाना है कम्युनिटी बैग कि जो असाइनमेंट है कैसे बनाई जाती है, और जितने भी असाइनमेंट के पेजेस थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट बनाने का जो तरीका है आपको मेरे चैनल पर कई सारी वीडियो मिल जाएगी, उसके थ्रू भी बना सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।